यूपी के झांसी में आवारा पशु लोगों के लिए बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। इससे जुड़े एक वीडियो में दिखा कि देर रात दो पशु ने स्कूटर सवार एक रेलवे कर्मचारी को बुरी तरह टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर दूर तक घसीटता हुआ चला गया। रेलवे कर्मचारी इतना जख्मी हो चुका था कि कोई मदद मिलने पर वो उसी जगह पर पड़ा रहा और उसको कोई मदद नहीं मिली। कुछ देर बाद एक आदमी वहां पहुंचा, जिसकी मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। चेन्नई में मुगली वक्कम परोर के एक रेस्टोरेंट में रोबोट ने लोगों को खाना परोसा। वहां ये पहला रेस्टोरेंट है जहां वेटर की जगह ग्राहकों की सहूलियत के लिए रोबोट रखे गए, जिनमें शामिल एक रोबोट रिसेप्शनिस्ट है तो 7 रोबोट वेटर हैं जो ग्राहकों को खाना परोसते नजर आए। इससे पहले ग्राहक ने टेबल पर रखे टैब की मदद से अपना ऑर्डर दिया, जिसके बाद गले में कपड़ा लपेटे रोबोट ग्राहक की टेबल तक उनका खाना परोसने के लिए वहां पहुंचा, जिसे देखकर एक लड़की ने उसकी तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली। इस बीच रेस्टोरेंट प्रबंधन ने वहां रखे गए इन रोबोट के ग्राहकों से बातचीत करने का भी दावा किया। ग्राहकों को खाना परोसने के बाद सभी 7 रोबोट एक लाइन से आगे बढ़ते नजर आए, जबकि ग्राहकों ने रेस्टोरेंट में आने के बाद रिसेप्शन पर खड़े एक रोबोट को अपने से जुड़ी जानकारी दी, जिसके बाद उस रोबोट ने ग्राहक का स्वागत किया। भोपाल में मामूली विवाद में कुछ बदमाशों ने 4 लड़कों पर चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात में उनेश नाम के लड़के को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उनेश की मौत हो गई। उनेश के 3 साथी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं। वारदात के आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की मांग पर मृतक के घर वालों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश का ये मामला है जहां पर 4 लड़कों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें उनेश नाम के एक शख्स की मौत हो गई और उसके साथ ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि ये लोग कौन हैं अभी इनका पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में उनेश नाम का लड़का जो है उसकी मौत हो गई। लोगों का सड़क पर हंगामा जारी है और लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने उनेश को मौत के घाट उतारा है उनकी गिरफ्तारी की जाए। फर्स्ट पोस्ट और यूगव इंडिया ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के बीच एक सर्वे किया। इस सर्वे में युवाओं से कई सवाल किए गए। नए मतदाताओं से सवाल किया गया कि वो अगली सरकार से क्या चाहते हैं। इसके जवाब में 67% पुरुषों ने रोजगार को सबसे जरूरी मुद्दा बताया, 65% ने बेहतर शिक्षा, 62% ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और 58% ने महिलाओं की सुरक्षा को अहम मुद्दा बताया। जब यही सवाल महिलाओं से पूछा गया तो 79% महिलाओं ने सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी, 73% ने बेहतर शिक्षा, 72% ने रोजगार को और 69% ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को अहम मुद्दा बताया। युवाओं से पूछा गया कि क्या वो लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे तो 57% पुरुषों और 53% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया। वहीं राजनीतिक विचारधारा से जुड़े सवाल के जवाब में 13% पुरुषों ने रूढ़िवादी पार्टी को वोट देने की बात कही, जबकि 43% ने नरमपंथी और 28% ने उदारवादी सोच वाली पार्टी को वोट देने की बात कही। इसी सवाल के जवाब में 23% महिलाओं ने रूढ़िवादी पार्टी का समर्थन किया तो 40% ने नरमपंथी और 23% ने उदारवादी विचारधारा वाली पार्टी को वोट देने की बात कही। पहली बार वोट डालने जा रहे इन मतदाताओं से पूछा गया कि वोट देने के लिए कौन सा फैक्टर अहम होगा तो 31% पुरुषों और 26% महिलाओं ने पीएम उम्मीदवार को अहम फैक्टर बताया, जबकि 35% पुरुषों और 44% महिलाओं ने पार्टी की विचारधारा को तरजीह दी।